हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत पहुंचे। हेलो दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक क्लास में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का हमने एक लेक्चर डाला था, उसमें कुछ पार्ट जो बचा था उसका सेकंड पार्ट इसमें करवाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। उसमें रेशनल नंबर या इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, वे नंबर जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। पी और क्यू इंटीजर होते हैं, इंटीजर या पूर्णांक ये बोल सकते हैं कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे 5/6, 2/5 और ये सभी इंटीजर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है और ये सभी रेशनल नंबर हैं। चलिए अरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, ये नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं या इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते। इनकी जैसे √2 है, √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 करके ऐसे वैल्यू आती रहती है इनकी बार बार, मतलब इनकी कभी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। चलिए, थोड़ा पिछले लेक्चर में हमने बोल दिया था कि 0 इवन नंबर नहीं है, वो गलती से हो गया था, लेकिन क्या है, 0 जो है इवन नंबर है। चलिए देख लेते हैं कि 0 कैसे इवन नंबर है, ये डाउट रहता है। जैसे क्या बोलते हैं, 2 ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या आता है, इवन नंबर। यदि हम 0 को मान रहे हैं, ऑड नंबर यदि मान रहे हैं, देखिए तो 5 तो ऑड नंबर है, 0 को मान लिए, इधर क्या आ गया, 5, जो 5 इवन नंबर नहीं है, इसलिए हमने जो 0 को ऑड नंबर माना है वो गलत है, इसलिए 0 को अब क्या मान रहे हैं, इवन नंबर हम। तो यहाँ यदि 5 और यहाँ 3 कर देते हैं, दोनों ऑड नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी सही है। ऑड नंबर प्लस इवन नंबर बराबर ऑड नंबर। चलिए देखते हैं, ऑड नंबर जैसे हमने 5 ले लिया, 0 को हमने इवन नंबर माना है, 0 कर दिए, तो इधर क्या आ गया, 5 आ गया, इधर क्या आ गया, 5 जो कि ऑड नंबर है। इससे पता चलता है कि 0 जो है एक इवन नंबर है। और आगे देखते हैं, दो इवन नंबर का इवन नंबर प्लस इवन नंबर बराबर क्या होता है, इवन नंबर। यहां देख लेते हैं, 2+5 2+4 इक्वल टू 6, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, जिससे हमने 3 बोला कि 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, 1 ऑड और 1 इवन होगा तो ऑड नंबर आएगा, 1 इवन और 1 दोनों इवन होंगे तो इवन नंबर ही आएगा इनका सम। चलिए ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे चेक करना है। 1771561 इसको देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने बताया था 11 के डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ ऑल इवन प्लेस, सम ऑफ ऑल नंबर इन इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर, जो इवन प्लेस में उनका सम माइनस ऑड प्लेस में उनका सम, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 के मल्टीपल में आए। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इवन प्लेस पे जैसे ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये
सातवां है, तो दूसरे प्लेस पे चौथे प्लेस पे और छठवें प्लेस पे क्या है, 7 + 1 = 8 और 6 ये क्या हो गया 14 माइनस। आउट प्लेस में देखते हैं 1 है 7 है 5 है और 1 है 7 8, ये 14 ये भी 14 हो गया। दोनों का जब डिफरेंस लिए तो 0 आ गया, मतलब 1771561 जो है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये देख ली, थोड़ा नहीं दिख रहा था ये कि जो इनका ये इवन प्लेस का जो सम आया 14 आया और ऑड प्लेस का जो सम आया 14 आया, जो उन दोनों का जो डिफरेंस है 0 आ गया, मतलब 1771561 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या है 101, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या है 101। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 18, 24, 30, 36 फिर ये 78, इनका यहां से यहां तक सम निकालते हैं। सम क्या होगा इनका पहले देख लेते हैं। ये एक यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का है, यहां भी 6 का, हर जगह 6 का डिफरेंस है, हर जगह। वैसे क्वेश्चन ये है, हाँ चलिए 6 का डिफरेंस है, इसमें हम क्या लगा देंगे। हमने आपको बताया था कि एपी का एक फार्मूला n/2 a + 2a + n-1 × d, ये सम ऑफ निकालने के लिए, सम निकालने के लिए n बाय टू कितने टर्म हो गए इसमें, देख लेते हैं कितने टर्म है। और एक फार्मूला हमने आपको ये भी बताया था n/2 a + l, और एक तो और फार्मूला था tn फार्मूला बनाए थे a + n-1 × d। पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पद, वैसे पता तो है नहीं, ये लास्ट वाला पद जो 78 है देख लेते हैं। पहला पद ये जो होता है, पहला पद 18 + n-1, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है और इनका डिफरेंस जो आ रहा है 6 आ रहा है, तो 78 8 + 6n-6 ये क्या हो गया 78 = 12 + 6n, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 66/6n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n = 11 आ गया, मतलब टोटल 11 पद हैं। अब इनका सम निकालना है तो सम निकाल लेंगे, 11 by 2 पहला पद 18 है और लास्ट पद 78 है, तो 11 × 96/2 4 और 8, अब 11 × 48, अब इनका देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 528। तो इस सीरीज का जो सम है 528। इसमें जैसे दो क्वेश्चन हो गए, इसमें हमें कितने टर्म है ये भी फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। यहाँ tnth टर्म में पता है लास्ट वाला टर्म, और यहाँ a जो होता है पहला टर्म होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गए, और d जो हो गया इनका डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कितने टर्म है, उसके बाद हमने क्या फाइंड कर लिया, इस सीरीज का सम भी फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और।
जैसे क्वेश्चन है 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस डैश डैश प्लस 2 की पावर 10, इसका क्या बताना है, सम बताना है। तो इसको हम सीरीज को देखते हैं, पहले 4 प्लस 8 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ऐसे ही सीरीज जा रही है। मतलब यहाँ डिफरेंस तो बराबर नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 4 है। तो यहाँ देखते हैं, यदि इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब कॉमन रेशियो आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू, ये मतलब ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में, किस श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो आर की वैल्यू जो है 2 है। ये जो होता है पहला पद, पहले पद की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है और पहले पद की वैल्यू भी 2 है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2, कितने टर्म है, 10 टर्म है, 2 की पावर 10 माइनस वन अपॉन अपॉन 2 माइनस वन, 2 माइनस वन बराबर 2 इंटू 200 अपॉन 1, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है, माइनस वन तो 1023 इंटू 2, क्या आ जाएगा आंसर, 2046, 2046। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 33 प्लस डैश 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 प्लस 105, क्या बताना है, इसका सम बताना है। ठीक है, यहाँ भी पहला पद दिया है, लास्ट पद दिया है, हमें टर्म पता नहीं, सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे। टर्म के लिए क्या फार्मूला था, टी ऑफ एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 105 इक्वल, ये मतलब पहला पद 6 प्लस एन माइनस वन, हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो 9 आ गया। तो 105 बराबर 6 प्लस 9 एन माइनस 9, तो 105 इधर ही घट के बराबर 9 एन माइनस 3, तो इधर आ गया, तो 108 अपॉन 9 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू जो आ गई 12 आ गई, मतलब 12 पद हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, यदि इनका सम भी बोल देगा तो हम सम भी निकाल फाइंड कर लेंगे। सम के लिए हमें फार्मूला पता है, एन बाई टू ए प्लस एल, तो 12 अपॉन 2, पहला पद 6 और लास्ट पद क्या है 105, तो 6 जा 6 इंटू 1 11, तो 6 ट्रिपल 6, इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। थैंक यू, प्लीज यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।